हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी। तो आज मैं आपके लिए प्री ऑन लग्जरी गाड़ियों पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो लेकर आई हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आप कैसे प्री ऑन लग्जरी गाड़ियां परचेज कर सकते हैं, कहां से परचेज कर सकते हैं, और डेफिनेटली इनके फाइनेंस में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, व्हाट अबाउट द आफ्टर सेल्स सर्विस। मेरे साथ आज प्रेम में है लग्जरी राइड गुड़गांव शोरूम के जीएम मिस्टर पंकज पटेल। वेलकम सर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो सबसे पहले आप मुझे सर ये बताइए कि व्हाट इज लग्जरी राइड, और ग्राहक कैसे आपके शोरूम तक पहुंच सकता है, कैसे वो गाड़ियां परचेज कर सकता है। लग्जरी राइड ने 2012 में जर्नी अपनी शुरू करी थी। हमारे जो एमडी हैं सुमित गर्ग जी, ही हैड ए विजन। वो चाहते थे कि जो प्री ओन्ड लग्जरी गाड़ी हो, लोगों को एक रिलायबिलिटी फैक्टर मिले, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। जब भी हम कोई प्री ओन्ड गाड़ी ले जाते हैं, उसमें सबसे पहले दिमाग में आता है कि यह गाड़ी सही मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो ट्रस्ट को जीतने के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी था, और वो हमने 10 साल की जर्नी में वो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है, लग्जरी राइड। तो लग्जरी राइड हम सेल्स में भी हैं, सर्विस में भी हैं, स्पेयर पार्ट्स में। ऐसा नहीं होता कि हम किसी ने गाड़ी बेच दी और बस हमारी जिम्मेवारी ख़त्म। नहीं, वी आर एज गुड एज एनी ओईएम, जहाँ पे गाड़ी डिलीवर करने के बाद भी कल को गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन कॉल। वी हैव ए पिकअप एंड ड्रॉपअप फैसिलिटी। कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ योर कार इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन वट एवर मैनर वी कैन डू दैट। वे तो हमने 10 साल पहले ज्वाइन किया था। और जब प्री ओन गाड़ी खरीदे जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो दिमाग में जो सबसे पहला जो वरी होता है, यार सही गाड़ी मिलेगी कि नहीं, कल को कोई ऐसा तो नहीं कि मीटर टाइम। तो मैं आपको बताऊँ, हमारे लग्जरी राइड के जो वैल्यूज़ हैं तीन, जो वो है कि हम कभी भी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ नहीं उठाते हैं, हम कभी मीटर टैम्पर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि थोड़ी सी गाड़ी हम शायद से महंगी दे रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ आवर हैप्पी कस्टमर्स, ऑल ऑफ देम हैड द सिमिलर दिस वरी कि सर आप गाड़ी महंगी दे रहे हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे गाड़ियों को मार्केट से कंपेयर किया, एग्जामिन किया, एंड दे एंडेड अप बाइंग फ्रॉम अस, क्योंकि उनको लगा कि नहीं ये सबसे सही है। तो हम कहीं भी नहीं करते। रही बात, हमारे पास हर ब्रांड की गाड़ियाँ होते हैं, BMW हो गया, ऑडी हो गई, मर्सिडीज़ हो गया, मिनी कूपर हो गया, और यहाँ तक कि पोर्श कायन हो गए, लैम्बर्गिनी हो गई, ये सारी ब्रांड की जरूरत है। हम कोशिश ये करते हैं, हमारा एंडेवर ये रहता है कि वी विल गो आउट ऑफ वे टू पिक अप द बेस्ट कंडीशन व्हीकल, सो दैट कि हम पूरे उसी कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर को बेच पाए और जो प्राइस में चाहते हैं। और हम जब गाड़ियाँ देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी लेने के बाद कस्टमर को उसमें कुछ काम कराने की जरूरत नहीं है। कस्टमर हैसल फ्री आराम से चलाए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए हमारा रिपीट बिजनेस और रेफरेंस बिजनेस सबसे ज़्यादा आता है। हम सारे प्लेटफॉर्म पे भी हैं, आपके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, कारवाले पे हैं, और हमारा अपना वेबसाइट है। सारी डिटेल उसमें अप टू डेट रियल टाइम रहता है। उसमें किसी भी गाड़ी को जाके आप वेबसाइट में 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं, क्या है गाड़ी का, यहाँ तक कि RC इंश्योरेंस, सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो हमारा वेबसाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक बच्चा भी जाकर के उसमें समझ सकता है कि गाड़ी की कॉस्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब कुछ। एंड वी डोंट हाइड एनीथिंग, वी वर्क वेरी एथिकली, एंड वी आर 100% कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हमारा ट्रस्ट फैक्टर कस्टमर का ज़्यादा आता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लग्जरी राइड। लेकिन अब जब भी कोई गाड़ी परचेज करता है सर, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो कैश में परचेज करता है या फिर फाइनेंस में। अब आजकल जो कैश वाले कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा कम हो गए हैं, फाइनेंस के ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो आप लोग फाइनेंस पर्पज से कस्टमर्स की कितने तरीकों से हेल्प कर सकते हैं, कितना हेजल फ्री आपका फाइनेंस प्रोसेस है, वो एक बार हमारे कस्टमर्स को बताइए। आई एम ग्लैड कि आपने एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, और मैं आपको बताऊँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ शायद बहुत सारे लोगों को, लग्जरी गाड़ी खरीदना आज के डेट पे बहुत ही आसान है, जितना कि लोग शायद सोचते भी नहीं होंगे। ठीक है, आप मास सेगमेंट में भी जाएंगे, ज़्यादातर गाड़ियाँ 30-35 के रेंज में वैसे भी आ रही हैं। ठीक है, हमारी मोस्टली गाड़ियाँ, अगर मैं आपको एवरेज टिकट साइज़ बताऊँ, तो 40 लाख के आसपास है। ठीक है, रेंज स्टार्ट फ्रॉम 30 लाख। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जितनी गाड़ियाँ हैं, इसमें से ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल है, और सबसे मैक्सिमम 10 ईयर के लिए, यानी कि हम पुरानी गाड़ियाँ उठाते नहीं हैं। आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 10 ईयर के लिए ऑप्टेन कर सकते हैं लोन, तो ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा है। तो ऐसा कुछ नहीं, डाउन पेमेंट नॉर्मल दे करके 80-85% लोन हो जाता है, बेसिस योर फाइनेंशियल जो क्रेडेंशियल होता है। तो आज के डेट में वो भी है, वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट देने होते हैं, 48 घंटे का अप्रूवल होता है, एंड सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, सारी गाड़ियों पर मैक्सिमम 10 ईयर आप ऑप्टेन कर सकते हैं लोन की फैसिलिटी उपलब्ध। तो जब भी आप कोई प्री ऑन लग्जरी गाड़ी परचेज करते हैं, तो मोस्टली वो लोग सेल्स में सर डील करते हैं, लेकिन लग्जरी राइड डील करता है सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स। तो सेल्स वाला जो ऑप्शन है वो सर से हम लोग जान चुके हैं, तो सर्विस और स्पेयर पार्ट्स के बारे में थोड़ा हमारे कस्टमर्स को बताइए सर।
जैसे मैंने बताया कि लग्जरी राइड सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स में डील करता है। सर्विस में हमारा ये होता है कि हम वी आर एज गुड एज एनी न्यू कार शोरूम। हमारे से जो भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने भी गाड़ी ली है उनको गाड़ी की सर्विसिंग करानी होती है तो उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, उनके पास कॉल अपने आप पहुंच जाती है। हमारा ड्राइवर आता है, गाड़ी पिकअप करता है, सर्विस के लिए लेके जाता है, सर्विस होने के बाद छोड़ देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे सर्विसेज स्टैंडर्ड्स आर एज गुड एज एनी ऑफ द OEM जो आप ऑथराइज सर्विस में। और द बेस्ट पार्ट क्या है, वी आर 40% चीपर, हम मोर इकोनॉमिकल हैं और सारे OEM के पार्ट्स और OES के पार्ट्स ही हम लगा के देते हैं आपको जी। तो इससे इससे पीस ऑफ माइंड, फुल्ली रिलायबल, ऑल कन्वीनियंट। तो डेफिनेटली पंकज सर ने आपको पूरी डिटेल बताई है कि कैसे आप प्री ऑन लग्जरी कार खरीद सकते हैं, फाइनेंस के क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड यस इनके पास सर्विस एंड आफ्टर सेल्स के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई प्री ऑन कार परचेज करने का प्लान करेंगे, लग्जरी राइड को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच पंकज सर फॉर हैविंग टाइम। थैंक यू।